हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया होगा। और सर एक जुड़े हैं मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? रुपेश प्रधान। रुपेश प्रधान, कहाँ से हैं आप? मैं संबलपुर ओडिशा से हूँ। संबलपुर ओडिशा। और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, पहले ये बता दीजिए कितनी दूर है वहाँ से। एक्सपेक्टेडली 1400-1500 किलोमीटर से ज्यादा होगा। 1400-1500 किलोमीटर। तो ये वो कस्टमर है जिन्होंने सबसे पहला हीरा 3 प्रो बुक करवाया था और उनको अभी तक नहीं मिला। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट कोई बात नहीं, इनकी ट्रैकिंग बनी हुई है। डेफिनेटली जो है आपको विद इन अ वीक आपको के घर तक पहुंच जाएगा। यहाँ 15 डेज लगेंगे, पर उससे भी बढ़िया बात यह है कि यार आपने तंग नहीं किया मुझे। बट मेरी भी मजबूरी है, आप लोग भी प्लीज समझिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसा आना हुआ, उड़ीसा इतनी दूर है और आप फ्लो बीट्स पे आए, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ आपके साथ बात करने का, बैठने का। क्योंकि एक जब किसी कंपनी में, बहुत छोटा मेरा स्टार्टअप है, पर जब इतनी दूर से कोई स्पेशली आता अपना टाइम निकाल के, तो वो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक छोटा सा आदमी के पास जैसे शेड्यूल होता है अपना 2 दिन का 3 दिन, उसके अंदर उसके बहुत काम होते हैं कि मैं इधर भी जाऊंगा, दिल्ली में कुतुब मीनार भी घूमूंगा, मैं लाल किला भी जाऊंगा, ये भी देखूंगा। और उस बीच में आप एक ऐसी जगह आए हैं जहां मेरे ख्याल से कोई ना भी आए तो चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो टाइम निकाल के आप आए, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब प्राउड वाली बात है। तो इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। और आपने आज जो है हीरा 3 प्रो सुना, तो आपको कैसा लगा? मैं थोड़ा सा आपको मूवमेंट कैप्चर करना चाहूंगा कि आप प्लीज कुछ बातें बताएं। पहले तो मेरा दूसरा प्लान था, मेरा प्लान था कि मैं वैष्णो देवी जाऊं, वहां घूम के आऊं, फिर आके दिल्ली में 2-3 दिन ऐसे घूमूं। बाकी आज का जितना शाम का प्लान था सब मैं कैंसिल कर दिया, और वो सब शिफ्ट कर दिया सुबह को। सुबह को काम खत्म करके सीधे मेरी बीबी के साथ यहाँ आ गया। पहले तो ऐसे हेडफोन में डायरेक्ट ऐसे यूट्यूब में सुना था, बाकी अभी जब सुना मैं, पूरा दिल में जो लगती है, एक्चुअल जो आप बोलते हैं पूरा दिल में लगती है। और अभी मैं वहाँ खड़ा था, यह गाना सुन रहा था, मेरी कम्युनिटी का भी गाना सुना, तो मेरा पैर भी हिल रहा था तब। तब भी साउंड मतलब इतना बास हो रहा था कि पैर हिल रहा था, ये सब लगने के बाद ये शीट्स, एकॉस्टिक शीट्स इसलिए लगवाई गई हैं कि ये जो चीजें हैं, मतलब हीरा 3 प्रो का साउंड बेशक यही दब जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो है ये अपनी चीज दिखा रहा है, जितनी इसकी पावर है, ताकत है, वो दिखा रहा है। तो और कुछ आपने फील किया हो और प्लीज थोड़ी सी बातें और बता दें मुझे, जो मतलब कोई देख पाए। पहले तो मैं यूट्यूब में आपको देखा था, यूट्यूब में जब देखा उस दिन से मेरा तो ट्रस्ट था, इसीलिए मैं अभी तक कुछ आपको बोला नहीं कि मेरे को चाहिए इतने चाहिए इतने चाहिए, ये नहीं किया था। और मैं घर में बताया भी नहीं था कि अभी आते टाइम ही मैं बताया कि मेरे बेबी को कि नहीं चलो देखेंगे। और अभी मेरा वाइफ भी खुश हो गया कि गाना सुना रहे, खुश मस्त गाना बज रहा है, तो लेके जाएंगे बोला। वो भी मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया जो सॉन्ग आपने बजाया। तो कुछ लोग आना चाहते हैं मगर वो किसी वजह से रुके हुए हैं, तो प्लीज उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र आइए, बेफिक्र रहिए, पैसा कहीं नहीं जाएगा। अरे गाना आना है तो आके गाना सुन के जाइए, दिल खुश हो जाएगा और जाइए, आप पूरा फुल एंजॉय करेंगे। एक मैसेज ओडिशा आसाम वालों के लिए, क्योंकि वहां से मेरे बहुत कस्टमर है। अच्छा, तो अपनी लैंग्वेज में एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। आसाम तो हमारा लैंग्वेज नहीं है, बाकी समझ जाते हैं क्योंकि उड़िया, ओडिशा और कलकत्ता आस पास है। वो मेरे को आइडिया है, बट मैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो आपके आसपास की कम्युनिटी के लोग हैं, प्लीज आप उनके लिए। नहीं, मैं यूट्यूब में बहुत सारा रिव्यू भी देखा हूँ, बहुत लोग है जो हमारा उड़िया लोग बोलते है की भाई हमारा उड़िया गाना भी बजाओ। तो मैं आज का संबलपुरी गाना उठे बजे दिली, संबलपुरी गाना उठे बजे दिली, जेंटा की वीडियो अपलोड करा है, देखी देवे, जानवे, एंजॉय करवे, आउ संबलपुरी वाले एंजॉय करवे, उड़िया वाले वाले उड़िया गाना लेक सुनवे यार गाना, आउ किसी असुविधा नहीं हुए। तो ये सर ने मैसेज दिया अपनी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मेरे को वहां से भी बहुत प्यार मिलता है आपकी कम्युनिटी से, उस साइड से। और एक बात, भुवनेश्वर के जो भाई मैंने अच्छा थी, सही मैंने आसिबे भल गाना सुन, गाना सुनिबे आ फुल भाव रे एंजॉय करिबे, बढ़िया गाना, बढ़िया साउंड, बढ़िया बास, एंती बास केबे नहीं सुनी दबो, केबे सुन नथिबो। मैं एक चीज और बताता हूँ कि जो मैं प्राउड तो है ही है कि आप लोग भी इतना प्यार देते हो, मगर एक चीज ठोक के भी बोलता हूँ कि जो मैं बना दूंगा वो कोई नहीं बना सकता, और जो बेस मैं दे दूंगा वो कोई सोच नहीं सकता। एक्चुअली मैं नाम तो नहीं लूंगा ब्रांड का, बहुत सारा ब्रांड देखा हूँ जो रेट प्राइस बहुत हाई है। मेरे पास भी, आपको बोला कि मेरे पास भी है, बाकी उससे भी बढ़िया साउंड और बढ़िया बास निकल रहा है, जो मतलब
बहुत सारे साउंड म्यूजिक सिस्टम है जिससे साउंड ज्यादा कर दो तो फट जाता है, लेकिन ये फट नहीं रहा है, पूरा बेस पूरा आ रहा है। मैं साउंड कम करके भी सुना और साउंड पूरा फुल करके भी सुना, दोनों में जबरदस्त बेस है। बिल्कुल, तो सर धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए तो मुझे तो बहुत खुशी है आज, मतलब मेरा तो दिन बन गया समझ लीजिए कि कोई इतनी दूर से चल के आया है। तो थैंक यू वेरी मच आपका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं और जो अपने प्रोडक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने बुकिंग्स कैंसिल करवा ली उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। बट ये कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों की कोई मजबूरी रही होगी, बट हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक प्रोडक्ट पहुंचाएं। तो थैंक यू वेरी मच।